कि मैं निकल चुका हूँ एक नए ब्लॉग के लिए जो पंजाब में जा रहा हूँ, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, दिखाता हूँ आपको पंजाब का अमृतसर गोल्डन टेम्पल। चलिए मेरे साथ। तो बताया था कि आज मैं निकलने वाला हूँ पंजाब, और पंजाब का नाम आती है आपको पता है किस सिटी का नाम आपको याद आता है? अमृतसर। और अमृतसर में क्या चीज़ है? गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर की परेड, वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ अभी इस ब्लॉग में। चलते रहिए, और मैं अब यहाँ से निकलूँगा राजस्थान से दिल्ली, और दिल्ली से फिर मैं पहुँचूँगा अमृतसर। चलिए पूरा दिखाता हूँ आपको अपना ब्लॉग, चलते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हुकुम सिंह ब्लॉग्स ट्रैवलिंग वीडियोज़ के लिए। पहुँच चुका था कोटा से, बाई ट्रेन आया था तो मैं पहुँच चुका था निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन पर देखो आप सोच रहे हो इतना सामान की, क्योंकि कुछ ऑफिसी काम भी होते हैं, कुछ मेरे अभी कैमरे हैं, गिम्बल है, ये सारी चीज़ें लेके तो चलनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पूरा वीडियो दिखाने होते हैं, अच्छी अच्छी शूटिंग्स करके यार। अभी मैं निकल रहा हूँ मेट्रो से, अभी मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली। अब दिल्ली से पकड़ूँगा ट्रेन अमृतसर के लिए, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ गोल्डन टेम्पल। चलिए मेरे साथ, बने रहिए हुकुम सिंह ब्लॉग्स के साथ पूरा। चलिए मैं लगेज से लेकर जा रहा हूँ मेट्रो से ओल्ड दिल्ली, और वहाँ मैं रुकूँगा किसी गेस्ट रूम जो होते हैं वेटिंग रूम जैसे कि वहाँ में। चलो चलते हैं। एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताने वाला हूँ, जैसे मैं पहुँचा दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे हमने सर्च किया वेटिंग रूम, तो वेटिंग रूम तो नहीं था, बट यहाँ पे प्राइवेट वेटिंग रूम था, इस तरह का पर्ची भी दिया हुआ है, तो जिसका एक घंटे का दे रहे हैं वो आपसे लेते हैं 10 रुपये, 20 रुपये इस तरीके से। तो भाई वेटिंग रूम जो गवर्नमेंट के होते थे एसी वाले, वो ख़त्म कर दिए हैं। आपको स्लीपर का तो मुझे नहीं पता, बट मेरी टिकट एसी की है, पंजाब जा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये जो दी है स्लीप, देख रहे हैं आप, 10 रुपये की है। तो भैया वेटिंग रूम ख़त्म हो चुके हैं, आपको बता देता हूँ अभी। और ट्रेन का टाइम हुआ तो मैं निकल पड़ा अपना सामान लेके, अपना जो मेरी इसी कोच है उसके लिए, और मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ, अपनी ट्रेन आने वाली है, और मैं जस्ट अपना आराम से रेस्ट करूँगा, फिर कल पहुंचता हूँ अमृतसर। आप दिल्ली से बाय ट्रेन भी जा सकते हो, देख रहे हैं आराम से। तो जो इसकी जो टिकट होगी वो आपकी होगी 800 रुपये के करीब एसी में, नॉर्मली आप लेते हैं तो 350-400 रुपये। काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कि आप किस में आपका बजट क्या है, और आप फ्लाइट की थ्रू भी जा सकते हैं अमृतसर, आ भी सकते हैं। उसका जो फेयर होगा 350 रुपये, सॉरी 3500 के अप्रोक्स होगा। एयरपोर्ट भी होंगे, और राजस्थान में आप जा रहे हैं तो जयपुर से कर सकते हैं, कोटा से कोई भी फ्लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि एयरपोर्ट नहीं है। मैं अभी फर्स्ट डे जो मेरा अमृतसर में आ चुका हूँ, और सुबह हो चुकी है, तो अभी सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद वहाँ के जो मेरा यहाँ पे परमिशन लेके मैंने पार्क में आपको दिखाता हूँ यार। आप जानते हो ना मैं कहीं भी एंट्री कर सकता हूँ, VIP एंट्री कर सकता हूँ, या फिर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं जाके आपको ब्लॉग दिखाता हूँ, बट कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले मॉर्निंग वॉक, फिर वहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा। आप देखोगे ना आप भी चौक जाओगे यार, इतनी अच्छी जगह कैसे जाते हैं ये हुकुम सिंह ब्लॉग से, उसकी टीम कैसे पहुँच जाती है इतनी अच्छी जगह यार। तो चलिए मेरे साथ लेके चलता हूँ, और मैं पहुँच चुका हूँ अमृतसर, और सुबह मॉर्निंग वॉक, और आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अमृतसर के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो आपने सुनाई है और देखी भी होगी, तो बट ऐसे एक मंदिर भी है जो गोल्डन टेम्पल की तरह, वो भी मैं दिखाऊंगा। म्यूज़िक चल रहा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो उसके बाद हम चलेंगे बाघा बॉर्डर भी। तो देखो मेरा, अगर आपने ब्लॉग अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, और ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं, मज़ा आने वाला। अभी तक तो मैंने राजस्थान वगैरह दिखाया, बट आपको पंजाब का जो शहर है अमृतसर, जो सिर्फ बाघा बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी और बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट हर पार्ट में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, तो आप सारे वीडियो सारे पार्ट देखना पंजाब के जो ब्लॉग में बना रहा हूँ, ट्रिप टू अमृतसर, तो सारे ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूरा दिखाऊंगा। ये दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि पहुंच तो वैसे मैंने दिखाया सूरजमुखी का भी फूल, सूरज निकल चुका है थोड़ा थोड़ा, बट मैं सूरज उगने से पहले उठ जाता हूं, पर मैं पहुंच चुका हूं अमृतसर के अंदर, और अमृतसर के अंदर पहुंचने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ सारे साइट सीन्स। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है कि आप अमृतसर कैसे पहुँचें,
पंजाब का ट्रिप है ये मेरा, ट्रिप टू अमृतसर। सारे पार्ट आप देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आप कैसे आओगे, आप बाई ट्रेन आ रहे हो, बाई बस आ रहे हो, अपने व्हीकल से आ रहे हो, तो आपको क्या चार्जेज हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई भी हैं। और ट्रेन से सारी चीज़ें आप आ रहे हो तो देखो मज़ा तो आपको आने वाला ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, उनमें मैं आपको गोल्डन टेम्पल, और गोल्डन टेम्पल जैसा ही एक मंदिर है, वो सेम डिट्टो कॉपी है। क्या उसकी खूबियाँ हैं, गोल्डन टेम्पल में कहाँ कहाँ पे सोना है वो आपको दिखाने वाला हूँ। बाघा बॉर्डर पे किस टाइम परेड होती है वो आपको बताने वाला हूँ। और आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि पंजाब जो अमृतसर है ना, गोल्डन टेम्पल 25 किलोमीटर पाकिस्तान से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, तो भाई वो भी दिखाने वाला हूँ। दुर्गियाना मंदिर, जलियानावाला बाग, जहाँ पर इतिहास था कुछ, जिस कुएं के अंदर काफ़ी मौतें हुई थी जब जनरल डायर ने गोलियाँ चला दी थी। तो देखो पार्क में काफ़ी अच्छा म्यूजिक चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो चलते रहिए। आपको व्यू दिखाऊं पार्क का, काफ़ी गजब का है। देखते गाने सॉन्ग्स भाई, मैं मॉर्निंग वॉक के टाइम पे ना कभी भी ना योगा और एक्सरसाइज नहीं छोड़ता, ब्लॉगिंग करूँ या जो भी है। चीज़ और बता रहा हूँ, सारे पार्ट जरूर देखना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ट्रैवल ब्लॉगिंग का, तो हुकुम सिंह ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मज़ा आने वाला आपको। बच्चे भी घूम रहे हैं यहाँ पे, तो भाई इस फर्स्ट पार्ट के बाद मैंने सेकंड पार्ट आपको दिखाऊंगा, थर्ड पार्ट भी सारे पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको ये वीडियो पार्ट्स में बनाऊंगा। तो देखो परमिशन लेके मैं भी कुछ भी कहीं भी जा सकता हूँ, आपको भी पता है सारे मेरे पास VIP एंट्रीज होती हैं। तो चलिए मैं आप जो मुझे बताओगे वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी नहर आई है यहाँ पे, वो दिखा रहा हूँ। मेरे ब्लॉग में आपको कुछ यूनिक चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, ये देखो आप। पार्क के साथ छोटी सी नहर, भाई एक यूनिक चीज ही मिलेगी आपको देखने के लिए। बताया था ना भाई यूनिक चीज दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी सारी चीजें दिखाऊंगा यार, ध्यान से देखना। और जो भी आप देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जहाँ का भी आपको ब्लॉग चाहिए। मज़ा आ रहा है ना मेरे साथ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम, रेडी होने के बाद हम निकलेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मैं गोल्डन टेम्पल, सारी चीज़ जैसे मैंने बताई। ट्रिप टू अमृतसर डालोगे ना सर, सबसे पहले मेरा आएगा। और चलिए थैंक यू।